हेलो दोस्तों, ये पहाड़ी नींबू है, इसको चौतरा भी बोलते हैं। आज हम इसके बारे में बताएंगे आप लोग को कि इसको हम कैसे बनाएंगे, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और खाने में थोड़ा खट्टा मीठा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता खाने में। चलिए हम बताते हैं। अभी देखिए, हमने नींबू के ऊपर का जो छिलका है इसको हमें ऐसे चाकू की सहायता से कट कर देना है। ऊपर का इसका छिलका बहुत मोटा है, इसलिए हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है। अभी देखिए, हमने सारे नींबू को साफ़ कर लिया है। ये थोड़े से संतरे हैं, हम इसको भी साफ़ कर लेंगे, इसका भी छिलका उतार लेंगे। सारा छिलका हमें अच्छे से उतार लेना है। देखिए, अभी हमने दोनों को अच्छे से साफ़ कर लिया है। अभी हमने इसमें एक मूली भी रख ली है छील के अच्छे से साफ़ करके। अब हम इसको नींबू को बीच से कट कर देंगे। कट करने के बाद जो ऊपर का मोटा वाला थोड़ा सा छिलका है उसको हमें निकालना है, जो इसमें बीज है उसको भी निकाल देंगे। देखिए कितने अच्छे से बीज का जो इसका दल है वही हमको रखना है इसका बीज का, और साइड साइड का हम निकाल देंगे। देखिए हमने कितने अच्छे से इसको साफ़ कर दिया है। सारा नींबू हमें ऐसे साफ़ कर लेना है, और प्याज इसमें जो हमने संतरे डाले हैं उसको भी साफ़ कर लेंगे। मूली जो है इसको भी पतली पतली कट कर लेंगे। सारा हमें अच्छे से पतला पतला कट कर लेना है। देखिए अभी हमने कट कर लिया। अब हम चटनी बनाए हैं। इसमें हरी धनिया, मिर्ची, लहसुन, थोड़ा से भांग को हमने भून के अच्छे से इसको मिक्सर जार में डाल के पीस लिया है। अगर आपके पास सिल है तो आप सिल बट्टे भी अच्छे से पीस सकते हैं। थोड़ा से हमने इसमें चीनी और गुड़ भी डाल दिया है। डालने के बाद देखिए इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए अभी बनके तैयार हो गया है।